हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है। गाइस, पीडीएफ को मैनिपुलेट करने की हम यहाँ पे सीरीज चालू कर चुके हैं, जिसमें कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए पहले ही बना चुका हूँ, कैसे मर्ज करना है, कैसे स्प्लिट करना है। यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको एक और मर्जिंग टेक्निक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे सपोज आपके पास दो पीडीएफ है, एक पीडीएफ में आपके पास इवन पेजेस है, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके के पेजेस है इस पेज नंबर के, और दूसरी पीडीएफ में आपके पास ऑड नंबर के पेजेस है, 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो अगर आपको उन दोनों को आपस में मर्ज करना है और एक पूरी सीरीज के पेजेस आपको साथ में चाहिए, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, तो आप कैसे करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा मोटिव है, ठीक है। ये ट्रिक बेसिकली कहां पर काम आती है, जैसे सपोज आप एक बुक के एक तरफ के पेज एक बार में स्कैन कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी तरफ के पेजेस एक बार में स्कैन कर रहे हैं, लाइक दिस। सपोज ये आपकी बुक है, ठीक है। आपने सपोज सबसे पहले राइट हैंड साइड के या फिर इवन या फिर ऑड के आपने एक बार में सारे पेजेस स्कैन कर लिए, क्योंकि आपको स्पीड ही पड़ेगा, ठीक है। पहले ये कर लिया, ठीक है, फिर आपने ये कर लिया, ठीक है। एक तरफ के सारे पेजेस स्कैन कर लिए और एक पीडीएफ आपकी बन गई। फिर आपने क्या किया, दूसरे तरफ के पेजेस सारे ये कर लिया, ठीक है, देन ये कर लिया, ऐसे दूसरी तरफ के पेजेस की आपने एक पीडीएफ क्रिएट कर ली, तो आपके पास दो पीडीएफ क्रिएट हो गई। अब एक पीडीएफ में आपके पास इवन नंबर होंगे और एक पीडीएफ में आपके पास ऑड नंबर होंगे। अब हम उनको कैसे मर्ज करें कि भाई वो एक सीरीज में आ जाएं, 1, 2, 3, 4, 5 इस सीरीज में आ जाएं, तो वो ट्रिक चलिए मैं आपको बताता हूं। तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से फॉलो करेंगे। यहां पे हम चलते हैं अपने टेस्ट फोल्डर में, जैसे कि हम हमेशा से जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हम वही सेम पीडीएफ टीके टूल का यूज करेंगे। अगर आप इस तरीके का वीडियो जो कमांड प्रॉम्प्ट से मैं आपको पीडीएफ मैनिपुलेट करना बता रहा हूं यहां पे, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि आपको अपने सिस्टम में एक टूल यहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहां पे हमारे पास दो पीडीएफ है, मैंने यहां पे दो पीडीएफ रख रखे, दोनों अलग अलग पीडीएफ है। सपोज मैंने इनका नाम भी दे दिया, एक का नाम दे दिया इवन और एक का नाम दे दिया ऑड, ठीक है। इवन को मैं ओपन करता हूं, तो यहां पे आप देखिए कुछ इस तरीके की पीडीएफ है, मैंने अलग अलग कलर में करा है, जिससे कि आपको पहचान में आ जाए, ठीक है। 21 पेजेस है यहां पे, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूं, देन दूसरी एक ऑड की पीडीएफ देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास इस कलर में है, ठीक है, और इसमें मेरे पास 24 पेजेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, तो एक पेज इस पीडीएफ का, देन एक पेज इस पीडीएफ का आएगा, ठीक है, जिससे कि एक पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें चाहिए कि 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है, तो पहले कौन सा नंबर आ रहा है हमारा, ऑड, तो हम ऑड को पहले रखेंगे और इवन को बाद में रखेंगे, उससे क्या हमारी एक पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, चलिए हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे एड्रेस बार में गए, सीएमडी टाइप किया और एंटर प्रेस किया हमने, तो हम यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हैं, ठीक है। तो यहां पे अब आपको कमांड क्या यूज लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। आप टाइप करेंगे पीडीएफ टीके, ठीक है। अगर आप पीडीएफ टीके टूल अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे और इस कमांड का यूज लेंगे, तो वो आपको कमांड नॉट एग्जिस्ट ऐसे एरर देगा, इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप ये वीडियो पहले देखिएगा कमांड प्रॉम्प्ट का जो तरीका है उसको फॉलो करने के लिए, जो कि मैंने आपको मर्जिंग टेक्निक में बताया। जब आप फाइल को मर्ज कर रहे हैं तो मैंने आपको शुरुआत में ये पूरा मेथड बताया, ठीक है। तो आप उसको पहले देखिएगा, फिर आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ टीके के बाद आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आपकी पहली फाइल का नेम, यानी कि जो पहले रहेगी, ठीक है। यानी कि हमें ऑड नंबर पहले चाहिए, यानी कि 1 पहले चाहिए, तो हम यहाँ पे ऑड अपनी फाइल पहले ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने नेम रखे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, इवन और ऑड आप भी रख सकते हैं, जिससे कि आप पहचान पाए, ठीक है। ऑड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, ठीक है, और मैं चाहता हूं 1 के बाद 2 आए, तो मैं यहां पे बी इज इक्वल टू इवन डॉट पीडीएफ कर दूंगा, ठीक है। यानी कि आपको शुरुआत ऑड से करनी है, देन उसके बाद इवन नंबर आएगा अगला नंबर, इसलिए मैंने पहले ऑड नंबर लिखा है, ए इज इक्वल टू ऑड डॉट पीडीएफ एंड स्पेस देके बी इज इक्वल टू इवन डॉट पीडीएफ, ठीक है, देन स्पेस देंगे यहाँ पे। अब जो हम मर्ज टेक्निक का यूज लेंगे, उस टेक्निक का नाम है शफल। आपने अगर कभी ताश खेले हो तो आपने ताशों को शफल कई बार किया होगा, जिसमें हम ताश की गड्डियों को दो पार्ट में डिवाइड करके शफल करते हैं, जिससे क्या होता है एक के ऊपर एक आ जाते हैं रैंडमली। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पीडीएफ है, हम उसको आपस में शफल कर देंगे, तो उससे क्या होगा, एक पीडीएफ का एक पेज दूसरी पीडीएफ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शफल टेक्निक का यूज लेंगे। शफल कैसे करना है, किन दो वेरिएबल्स को हम शफल कर रहे हैं, ए स्पेस बी, ए एंड बी को कर रहे हैं, देन क्या आएगा हमारे पास, आउटपुट आएगा। आउटपुट हम जिस फाइल से नेम से चाहते हैं वो फाइल नेम हम यहाँ पे डाल देंगे, न्यू बुक डॉट पीडीएफ, मैं ये डालता हूं,
ठीक है, आप कुछ भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए इस कमांड को, pdftk space a = odd.pdf। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये वो फाइल मैं ले रहा हूं जो वन से स्टार्ट हो रही है, पेज नंबर वन से, ठीक है। दूसरी event.pdf b = event.pdf, सेकंड नंबर पे मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सेकंड नंबर पे चाहता हूं। तो यहां पे आप इंटरचेंज कर सकते हैं फाइलों को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के हिसाब से। देन शफल स्पेस देके, शफल मैंने यूज लिया, शफल टेक्निक यूज दे रहे हैं, स्पेस ए स्पेस बी स्पेस आउटपुट स्पेस आपकी नई फाइल का नाम। जस्ट अब आपको क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करना है और आपकी फाइल यहाँ पे तैयार होगी। आप देख सकते हैं इंस्टेंट आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट का काम हो गया, क्लोज कर देते हैं। अब फाइल को यूज करके देखते हैं, newbook.pdf के यहां से नाम से फाइल बन गई है, ओपन करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ऑड फाइल का जो पहला पेज है आप देख सकते हैं इस कलर में, आप इस तरीके से देखिए, और इवन फाइल का पेज आप देखिए इस कलर में। अब हम देखते हैं न्यू बुक, ठीक है। ऑड फाइल का जो पहला पेज है आप देख सकते हैं, दूसरा पेज पहली फाइल का, तो आप देख सकते हैं। अब जो पीडीएफ है ये मैंने कलर इसलिए यूज किया जिससे कि आप आसानी से देख के ही रिलेट कर पाए कि भाई हाँ शफल हो गया, ठीक है। एक बार ग्रे आ रहा है, एक बार ब्लू आ रहा है, एक बार ग्रे आ रहा है, एक बार ब्लू आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप इजिली ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शफल हो चुका है और आपस में यहाँ पर जो फाइल है वो मर्ज हो चुकी है। अब कई बार ऐसा होता है जैसे मेरे पास एक फाइल के पेजेस थे 21 और एक फाइल के पेजेस थे 24, तो जहां तक 21 मैच करेगा तब तक वहां तक तो शफल कर देगा, देन उसके बाद 24 पेजेस वाले के डायरेक्टली वहां पे पेजेस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शफल नहीं हो रहा ना, क्योंकि इसके 21 पेजेस थे मेरे पास और इसके 24 पेजेस थे, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास शफल होके यहाँ पे दोनों पीडीएफ आ गई है। तो गाइज ये टेक्निक कई बार हमारे यूज आती है जब हम किसी बुक को स्कैन कर रहे हो या फिर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हो कि हमें भाई फास्टली अगर हम पेज पलट पलट के स्कैन करेंगे तो टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट जाता है। तो इससे बेटर है कि हम एक तरफ के पेज सबसे पहले स्कैन कर लें, फिर दूसरी तरफ के पेज स्कैन कर लें, देन उसको शफल कर दें। आप देख ही सकते हैं कमांड का रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आता है, तो आपका टाइम बचेगा और बहुत जल्दी आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।